तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 8:30, और मैं जस्ट फिर से कल की तरह अभी उठ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़। और मैंने कुछ कल रात को कुछ शूट किया था, आप लोग कहते हो कि रात का सीन दिखाओ अगल बगल गाँव के, तो मैंने कुछ वो कैप्चर किए थे। आई होप कि वो अच्छे से कैप्चर हों, क्योंकि भाई फ़ोन के कैमरे से उतना अच्छा कैप्चर तो नहीं होता, बट फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि वो अच्छे से आ जाए। तो चलो वो क्लिप आपको दिखाता, तो फिर आज का ब्लॉग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे यहाँ रात का ऐसा कुछ सीन, वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, काश अगर कैमरा बहुत मस्त होता तो अभी तक तुमको काफ़ी अच्छा दिखता। और अभी हम आ रहे हैं गौशाले से दूध लेके, ये रहा दूध, और अभी हो रखा है बहुत ज़्यादा अंधेरा। सो आई होप आप सभी लोगों को वो रात का जो शूट था मेरा वो काफ़ी मतलब पसंद आया होगा। वैसे ज़्यादा कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था, बट अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने कि कैसे। और अभी हो रहा है टाइम लगभग 9 बजने वाले हैं, और मैंने अभी तक मुँह हाथ नहीं धुला है। और चलो सबसे पहले मैं मुँह हाथ धो के आता हूँ, फिर वहाँ से आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मुँह हाथ धो के तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, देख सकते हो। और हमारे गांव में आज बन रहे हैं हमारे गांव की मिठाई, उसको हम अरसा बोलते हैं प्यार से। प्यार से मतलब क्या, उसका नाम ही अरसा है। तो अभी दिखाता हूँ कि वो कैसे बनता है। और काफ़ी सारे आज भीड़ लगी हुई बिल्कुल मेरे घर के ऊपर, क्योंकि वो मिठाई बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद चाहिए होती है, क्योंकि वो चावल से बनाई जाती है, चावल और गुड़। चावल को पहले रात भर भिगाना पड़ता है ताकि वो गीले हो जाए और आसानी से हम उसको पीस सकें। और मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगा कि उसको किस चीज़ में पीसते हैं, तो ये सभी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बंदे से मिलाना चाहता हूँ। तो मिलिए भाई, ये इन्फ्लुएंसर है। वैसे क्या है तेरा नाम, क्या स्टेन हो? प्रियांशु। दंगल बोल, क्या स्टेन हो? प्रियांशु। 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 प्रियांशु बोल, प्रियांशु। प्रियांशु। हाँ तो सबको हेलो कर दे, हेलो दगड़ियों। हेलो दगड़ियों। सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हाँ चलो टॉफी खाएगा, टॉफी तेरे को बाद में दी जाएगी। सो अभी ये हाई हेलो होने के बाद, ये इसका नाम प्रियांशु है, काफ़ी छोटा है, और ये यहाँ पे डेली कुरकुरा लेने आता है मेरे पास। तो अभी आया था, मैं ब्लॉग शूट ही कर रहा था, तो मैंने बोला चलो इसको भी अपने ब्लॉग में लाता हूँ। तो चलिए मैं देखते हैं कि कैसे मिठाई बनाते हैं, तो आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गंपू आपका नाम क्या है? हेलो कर दे, हेलो। उसने सच में हेलो कर दिया। वीडियो बना के अभी क्या? ना ना मैं तो नहीं बना रहा। चलो चलो है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि वीडियो मिठाई कैसे बनती है।
मांगते हैं। आप जा रहे हो ना भाई? चला होगा। जरूर जा। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग गुड़ कैसे गलाते हैं, और जो मिठाई हम बना रहे हैं उसका नाम अरसा है। और अगर आप लोगों के यहाँ भी अरसे बोले जाते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिलहाल अगर आप इसको देखोगे तो अभी यहाँ पे एक कढ़ाई ले जा रहा है, ये उसी चीज़ के लिए कढ़ाई ले जा रहा है, और वो मिठाई अभी बन रही है वो हमारे बगल वाले घर पे। और अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, जिस वजह से मैं फ्रंट कैमरे से व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैं अपने थोड़ा घर पर आया हूँ, सामने ही है घर, इसीलिए मैं यहाँ पर फ्रंट कैमरे का शूट करूँगा। फिर जब भी मैं बैक कैमरे का शूट करूँगा तो मैं वहाँ पर चले जाऊँगा। और अभी आई थिंक भैया लोगों ने गले हुए जो गुड़ को हमने गलाया था उसको उन्होंने आई थिंक चावल में मिक्स कर दिया होगा, और अभी तलते हुए दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे तलते हैं उसको और किस तरीके से तला जाता है। और लास्ट में जब उसका आउटपुट, मतलब आउटपुट बोले तो जब उसका रिजल्ट आता है कि जब मिठाई बन जाती है तो कैसे दिखती है, तो अभी चलो व्लॉग में बनते रहिए और चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और वहाँ पे लोग अभी पूरियाँ बना रहे हैं। और हमारे गांव में ऐसा होता है कि कहीं पे कुछ चीज़ बनती है तो सभी, मतलब गांव के लोग या उनके आसपास जितने भी लोग हैं सभी लोग उनकी मदद करने चले जाते हैं। तो अभी वहाँ पे बहुत सारे लोग पूरी बनाते हैं, तो चलो देखते हैं उस साइड का व्लॉग और कुछ शूट करते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि जो पूरियां बना रहे हैं और तल रहे हैं ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं, और ये दोनों भैया बेस्ट भाई हैं क्योंकि ये लोग मुझे व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये जो भैया तल रहे हैं ये मतलब इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, और जो बना रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो गाइस जी कर दो। अभी मैं आ चुका हूँ वहाँ से खाना खा के, पूरी अरसे सभी चीज़ें हम खा के आ चुके हैं। और आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि पूरी तो वैसे सब लोगों को पता है, पर जितने भी यूके के रहने वाले जो भी पहाड़ी लोग हैं उनको पता होगा अरसे क्या होते हैं। अगर उनको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ भी अरसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जिनके यहाँ नहीं बनते या जिन्होंने पहली बार ये चीज़ें देखी है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई हमारे यहाँ नहीं बनते। तो ये भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है हमारे पहाड़ों।
में तो इन्हें अरसे कहा जाते हैं और अरसे ही बनते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना। फिलहाल के लिए